हेलो दोस्तों, मैं हूं मानिक और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल साइबर स्कूल चैनल। और दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अभी एडसेंस में हम लोग जो टैक्स है वो फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा यूट्यूब के लिए, नहीं तो आपका जो अर्निंग है उससे 30% कट जाएगा। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि ये जो फॉर्म है कैसे आप फिलअप करेंगे। तो लास्ट तक देखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए इस तरह के हेल्पफुल वीडियोज़ पाने के लिए। और दोस्तों, यहाँ पे देखिए आ गया है इंपॉर्टेंट कुछ नोटिस, यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे लिखा है एक्शन रिक्वायर्ड। तो हम यहाँ पे मैनेज टैक्स इन्फो, इसमें हम टच क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ आता है, ये देखिए आ गया है इम्पोर्टेंट, तो हम लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं। और यहाँ पे देखिए आ गया है टू गेट पेमेंट फ्रॉम गूगल, मेक श्योर टू प्रोवाइड यू टैक्स इन्फॉर्मेशन, दिस विल टेक फ्यू मिनट्स, कुछ टाइम लेगा ये फॉर्म फिलअप करने में। वही लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए ऐड टैक्स इन्फो, इसमें हमें क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि आपका जो चैनल है यूट्यूब का, वो इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल। ठीक है, तो मेरा तो इंडिविजुअल है, मैं कोई बिजनेस नहीं करता यूट्यूब से, तो मैं इंडिविजुअल में। अगर आपका भी इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल आप क्लिक कीजिए, इंडिविजुअल में चेक कर दीजिए इसको और इसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए लिखा है आर यू सिटीजन ऑफ रेजिडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, की आप है कि नहीं। मैं तो इंडियन हूँ तो मैं यस में नहीं क्लिक करूँगा, मैं नो में क्लिक करूँगा क्योंकि मेरा घर जो है वो इंडिया में है। तो ये अब मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सही सही से आपको देना है, नहीं तो टैक्स कट जाएगा 30% 50% की जगह पे। तो नो नेक्स्ट। और यहाँ पे देखिए जो फॉर्म है वो है W8BEN और W8ECI, तो ये है इंडिविजुअल के लिए, ठीक है, और ये है जो बिजनेस कर रहे हैं चैनल से, चैनल के माध्यम से उनके लिए। तो हम लोग तो इंडिविजुअल, तो हम इसमें क्लिक कर देंगे। इसके बाद स्टार्ट, ये फॉर्म अभी हमें फिलअप करना है W8BEN। और यहाँ पे मेरा नाम आ गया और यहाँ पे देखिए डूइंग बिजनेस एज नेम और डिजिग्नेटेड एंटिटी, तो एंटिटी तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं देना है, ये ब्लैंक छोड़ देना है क्योंकि ये बिजनेस जो करते हैं उनके लिए है, हम तो इंडिविजुअल है तो हम नहीं करेंगे इसमें। तो यहाँ पे देखिए फॉरेन टीन और USITIN और SSN है, तो हमारे पास तो US का कोई टीन नंबर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे अपना जो पैन कार्ड है यानी कि पैन नंबर वही दे के देखते हैं यहाँ पे। तो मेरा पैन नंबर जो है अभी देख के मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इसके बाद ट्राई करेंगे देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए कंट्री रीजन और सिटीजनशिप, यहाँ पे हम भूल कर गए हैं, यहाँ पे हमें अपना जो देश है इंडिया वो सिलेक्ट करना है, मैंने स्किप कर दिया था, आप लोग ज़रूर फिलअप कीजिए इसे अच्छी तरह से, अभी हम नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने अपना जो टैक्स आइडेंटिटी है वो हमने दे दिया है और एड्रेस में यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इसमें हम अभी क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे अभी एड्रेस डाल देते हैं जो हमने दिया था एडसेंस अकाउंट बनाने के टाइम। तो दोस्तों हमने अपना जो पूरा एड्रेस है वो यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे लिखा है मेलिंग एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस, यानी कि जो मैंने एड्रेस लिखा है मेलिंग एड्रेस भी वही है क्या, तो मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा तो सेम एड्रेस हो जाएगा, यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे देखिए आ गया है नेक्स्ट, मेलिंग एड्रेस इज सेम एज पर, ठीक है, तो नेक्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पे हमें यस में क्लिक कर देना है क्योंकि हम लोग TT के लिए कर रहे हैं। तो हाँ, ये हो गया और यहाँ पे भी आपको चेक मार्क करना है और यहाँ पे कंट्री जो रीज़न है वो इंडिया होगा, हम लोग यहाँ पे इंडिया दे देते हैं। हो गया, तो अभी नीचे देखते हैं सर्विस एचएस एडसेंस, तो सर्विसेस यहाँ पे दे दीजिए आप और यहाँ पे आर्टिकल पैराग्राफ आएगा, अभी ये देना है आपको और इसके बाद इसमें देना है आपको 0%, ठीक है, और यहाँ पे या पी एस कर देना है, अभी इसमें देना है और इसमें भी हमें आर्टिकल ट्यूब देना है और यहाँ पे 15% देना है और इसमें भी और
कॉपीराइट उसमें भी ये देना है, विदहोल्डिंग रेट 15%। तो ये मैं लिखा अभी जो रिटिकल आर्टिकल, तो यहाँ पे यस, और इसके बाद नेक्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो फॉर्म W8BEN जो ट्रिटी अप्लाइड है वो फॉर्म यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे लिखा है ऑन आई कॉन्फर्म दैट आई हैव रिव्यूड, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है वो सही है। तो हमें अभी इसमें चेक मार्क करना है, चेक करके इसके बाद हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए फुल लीगल नेम जो मेरा नाम है वो लिखना है यहाँ पे, और हो गया। यहाँ पे देखिए आर यू द पर्सन लिस्टेड इन सिग्नेचर सेक्शन, यहाँ पे लिखा है मैं ये जो नाम है वही हूँ मैं, क्या और नहीं। तो मुझे यहाँ पे यस करना है, लिखो कि मैं ही हूँ ये। तो इसके बाद नेक्स्ट, और यहाँ पे देखिए एक्टिविटीज एंड सर्विसेज बस यहाँ पे नो कर देते हैं हम लोग, तो बाहर भी करते हैं। इसमें सर्टिफाई करना है इसको, और ये जो दो चीज़ है इसमें लिखा है कि ये जो अकाउंट है उसमें मैंने पेमेंट रिसीव किया कि नहीं, और नया अकाउंट है ठीक है। तो मेरा तो पेमेंट रिसीव हो गया है, तो इसलिए मुझे ये आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर एन एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट इज प्रीवियसली रिसीव पेमेंट, क्योंकि मुझे पेमेंट मिल गया था तो इसलिए हम इसमें क्लिक कर देंगे। अगर आपको कुछ भी पेमेंट नहीं मिला है तो इसमें आप क्लिक करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे चेक मार्क कर देंगे, और यहाँ पे चेंजेस कुछ भी नहीं करना है, इसके बाद सबमिट। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आ गया है अप्रूव्ड क्लेम क्लेम क्लेम, ठीक है सब कुछ हो गया। अभी हमारा जो टैक्स इन्फो है हमने फिलअप कर चुका है, हमने फिलअप कर दिया है। तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग आपका जो टैक्स इन्फो है वो फिलअप कीजिए, यूट्यूब चैनल है आपके पास। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है अगर आपने मिस नहीं किया है तो आप खुद ही अभी एक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, समझ गए होंगे। अगर कुछ समझ में नहीं, कुछ दिक्कत होता है समझ में, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अभी एक अभी के अभी, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगा है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और रेफरेंस वीडियोज़ पाने के लिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, तो मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप देख सकते हैं सबसे पहले। तो फिर चलिए बाय, टेक केयर, और अच्छी तरह से फॉर्म फिलअप करिए, और कुछ भी मिस्टेक मत कीजिए, नहीं तो आपका टैक्स कट जाएगा आपके अर्निंग से 30% तक, ठीक है। चलिए फिर बाय, टेक केयर।